धन्यवाद धन्यवाद ऑनरेबल चेयर मैडम। मुझे आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। आप सबका भी, मेरी पार्टी की तरफ से भी, और उन सभी जनों का जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। ऑनरेबल चेयर मैडम, आप अगर अभिभाषण को पढ़ेंगे तो पहले पन्ने के पहले ग्राफ में ही तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। सबसे पहला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके बाद लिखा गया है अमृतकाल, और फिर तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बिलीवर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। मैं इन तीनों बातों को आधार बनाकर अपनी बात को आपके सामने और देश के सामने रखना चाहूँगा। ऑनरेबल चेयर मैडम, हम सब राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से ही आए। हम सारे अपने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में थे, हमने जीवन में सब कुछ छोड़कर राजनीति में आने का कारण ही यही था कि हम इस राष्ट्र को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस सदन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति या किसी भी सदस्य और उस पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह होगा कि इस देश को कोई श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहता है। प्रश्न यह है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है कि इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति में समानता हो, भारत ऐसा बने कि पूरी दुनिया में गौरवान्वित हो, श्रेष्ठ बने। प्रश्न यह है, ये प्रश्न नहीं है कि हम सब इसको मानते या नहीं मानते, हम सारे मानते हैं, इसीलिए सब कुछ छोड़ के राजनीति में आए हैं। प्रश्न यह है कि क्या इस देश को एक और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम काम पर्याप्त काम कर रहे हैं। दूसरा, अमृतकाल, बिल्कुल सही बात है, अमृतकाल की संभावनाओं के बारे में भी किसी को कोई संदेह नहीं है। इस पूरे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज उपस्थित है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे देश में हैं, सब कुछ संभावनाओं को दर्शित करता है। तो अमृतकाल की संभावनाएं अपार है। जिस तरीके से हमारे पास संभावना है एज एन ऑपोजिशन पार्टी, एज अ मेंबर ऑफ दिस कंट्री, उसी प्रकार से सरकार के पास भी संभावनाएं हैं कि अमृतकाल की संभावनाओं को वो कैसे इस राष्ट्र के देश में परिपेक्ष में उकेरते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि अमृतकाल अभी है या नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या अमृतकाल की संभावनाओं को हम वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त काम कर रहे हैं। ऑनरेबल चेयर सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी होगा ना जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ शिक्षा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब सभी व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब सबको बराबर की सुरक्षा, रोजगार, पारदर्शी गवर्नेंस, राजनीतिक स्थिरता और नैतिक दायित्वों का निर्वहन होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी बनेगा जब देश के हर एक व्यक्ति को समानता हो और उसके श्रेष्ठ बनाने के, उसके आगे बढ़ने के सभी व्यवस्थाएं पूरी हो। ऑनरेबल चेयर सर, एक एक करके मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का पक्षधर हूं। मुझे ये लगता है सारी चीज़ों को देखते हुए पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, ये पूरा काम एक पैच वर्क का काम दिखता है। कहीं भी मुझे एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं दिखता है जिस इंस्टीट्यूशन को उठाकर पूरा फोकस उस इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करने में लगाया हो। ऐसा लगता है कि सारा का सारा एक पैच वर्क है, और पैच वर्क में थोड़ा सा पैसा इसमें डाल दो, थोड़ा पैसा इस पे डाल दो, थोड़ा पैसा उस पे डाल दो, आज अगर ये हो गया तो इस पे पैसा डाल दो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा सब कुछ करने के चक्कर में मुझे लगता है जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। और अगर इंस्टीट्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो देश विकसित होना बहुत बहुत दूर की बात है। ऑनरेबल चेयर सर, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो तीन आधारभूत परिप्रेक्ष्य हैं जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। आंकड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक व्यक्ति की कमाई कितनी है, क्या उसकी कमाई में बढ़ोतरी हुई। दूसरी चीज होती है उस व्यक्ति को अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए खर्च कितना करना पड़ता है, क्या उसमें महंगाई में कोई बढ़ोतरी हुई। और तीसरा है इन सब के बाद कि वो बचत कितनी कर पा रहा है, तो इनकम कितना है, खर्च कितना करता है,
और सेविंग कितनी हो रही है। इन तीन बातों को ही अगर हम देख लें हर व्यक्ति के जीवन में, तो पता चल जाएगा मोटा मोटे के अर्थव्यवस्था की ओवरऑल स्थिति क्या है। आज अगर हर व्यक्ति की कमाई को हम देखें तो G20 और ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे है। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी हम नीचे हैं। अगर आप देखें कि प्रति व्यक्ति आय में जो बढ़ोतरी 145% के आसपास थी पिछले दशक में, इस दशक में जो अभी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसमें लगभग 67% की बढ़ोतरी है। मैं ये नहीं कहता कि बढ़ोतरी नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पिछले साल इतना था इस बार इतनी। आपको बढ़ोतरी को पूरे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रख के देखना पड़ेगा कि कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर पिछले दशक से और इस दशक में अगर कंपेयर करें तो जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% कम हुआ है। दूसरा, अगर एक्सपेंडिचर को देखें सर, एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे होगा जब महंगाई इतनी ज्यादा है? हर व्यक्ति के थाली में क्या सेम सामान सभी अन्न खाद्यान्न आ सकते हैं? क्या हर व्यक्ति उसी प्रकार से बराबर खा सकता है? आज की परिस्थिति में तो नहीं खा रहा है। तो जिस दिन इस देश का हर व्यक्ति समान भोजन करने की स्थिति में पहुंचेगा, उसी दिन ये देश श्रेष्ठ भारत बनेगा और एक भारत बनेगा। महंगाई अगर देखे तो फूड इन्फ्लेशन 9-10% के आसपास रहा है। वेजिटेबल में देखेंगे 30% का इंक्रीज रहा है। दाल के भाव 20% बढ़ गए, अनाज के भाव 10% बढ़ गए, तेल के भाव, रिफाइंड ऑयल 70 रुपये हुआ करते थे 2014 में, अब लगभग 200 के आसपास पहुंच गए। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने का गैस होता है, 3 गुना उसके भाव बढ़ गए, 400 मिलते थे 1200 होने लगे। बहुत सारे ऐसे आंकड़े। मैं सिर्फ मूलभूत बात ये रखना चाहता हूं कि जब तक इन चीजों को व्यवस्थागत तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा, ये महंगाई दूर नहीं होने वाली है। आपकी कमाई तो थोड़ी बड़ी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आप ओवरऑल ये देखिए कि पिछले दशक में एक व्यक्ति कितनी बचत करता था और इस दशक में कितना बचत कर रहा है। यही एक मूलभूत और बड़ा सिंपल तरीका है ये देखने का कि क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था और क्या बढ़ी है और क्या लोगों का जनजीवन, जनमानस का जीवन स्तर ऊपर उठा है। बहुत सारे और आंकड़े हैं, लेकिन इनके अलावा अगर मैं इंस्टीट्यूशंस पे बात करूं, इंस्टीट्यूशन आप बैंकिंग सेक्टर ले लो, 10.5 लाख करोड़ का हम राइट ऑफ कर रहे हैं। आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनेगा कैसे? अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम, अमीर एक। तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे हम? कर्जा की बात अगर मैं कहूं तो पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा का हमने देख लिया, बैंकिंग का देख लिया, बैंकिंग की सेक्टर की हालत खराब है। आप अगर विदेशों में हमारे प्रति क्या भावना है दुनिया की ये देखना है तो उसका सबसे सही आंकड़ा होता है कि FDI कितना हुआ है, बढ़ रहा है घट रहा है, और ये बढ़ रहा है घट रहा है पिछले साल, इस साल, पिछले हफ्ते से नहीं, ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रिलेटिवली हमारे कितने बढ़े कितने घटे ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम तुलना कंपटीशन अपने आप से नहीं कर रहे, आज हम बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जिससे हमको पछाड़ना है, उनको पीछे करके आगे लेके जाना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। तो ग्लोबल FDI इनफ्लो का जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। आप सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होती है, एक क्रेडिट रेटिंग होती है, जैसे गांव में आप जाओगे किसी को उधार देने से पहले से कहते हैं कि भाई इसको उधार मत देना क्योंकि ये तो वापस ही नहीं करता है, इसको उधार मत देना, इसके पल्ले 4 पैसे नहीं है। एक आदमी होता है बोले हाँ इसको उधार दे दो, ये आपको वापस करेगा, वो एक क्रेडिट रेटिंग होती है। आपके क्रेडिट कार्ड की भी रेटिंग होती है, देश की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग जिस तरीके से स्टेग्नेंट है पिछले दशक में, ये स्पष्ट दर्शा रहे हैं हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन जाए, तीसरी इकोनॉमी बन जाए, पर विदेशों में हमारे अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ज्यादा लोगों में उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही है। आप डेप्रिशिएशन अगर देखें तो $1 मोदी जी के आने के पहले 58 रुपए के आसपास, 54-58 रुपए के आसपास हुआ करता था, आज ये 80 रुपए पार कर गया है। हम बार बार कहते हैं कि विदेशों में हमारा मान बढ़ा है। भाई विदेशों में मान कैसे बढ़ता है? विदेशों में मान दो ही तरीके से बढ़ते हैं। एक तो होता है हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, जो हमारे कलेक्टिव व्यवहार जो है उसके कारण परिलक्षित होती है विदेशों में, और दूसरा होता है पैसा। कितना पैसा है आपके पास, कितने बिजनेस करा सकते हो आप उनको,
आपको आपके पैसे से ही वो रेट करेंगे। तो अगर डॉलर के हिसाब से अगर रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक बार कहा था जब रुपया का वजन गिरता है विदेशों में तो देश का मान गिरता है, मैं सहमत हूं उनसे। तो देश का मान निश्चित रूप से गिरा है, झप्पी डालने से, गले लगाने से वो मोमेंटरी बेनिफिट दिखता है कि गले लगा लिए, दो बार गले लगा लिए, तीन बार, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन वो फंडामेंटली इस बात को नकारते नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। इसके अलावा ऑनरेबल चेयर सर, सीएजी के रिपोर्ट पे पहले बहुत बात होती थी। सीएजी के रिपोर्ट पे आपको याद होगा कि सरकारें गिर जाया करती थी। सीएजी कहती है कि सरकार डेटा कंसील कर रही है। 2021 और 22 के आप देखेंगे सीएजी में तो बहुत सारे डेटा को कंसील करने की बातें आई हैं। अगर मैं रोजगार के पक्ष में बात करूं तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ के आसपास रोजगार देंगे। रोजगार कहां गया? 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है? मनरेगा एक स्कीम होती थी, मनरेगा के पैसे होते थे, मनरेगा में आपने पैसे घटा दिए, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, शूट अप कर गया। तो ये पैच अप वर्क करेगा नहीं, हमको फंडामेंटली इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। मैंने इसी सदन से प्रश्न पूछे थे कि क्या सरकार ने पिछली 10 सालों में कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी? उत्तर आया सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मैंने पूछा कि जो आप 9.5 लाख के आसपास खाली पद है, कब तक भरने का प्लान है? उत्तर आया सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में। कुछ भी प्रश्न पूछो आपका उत्तर यही है, सतत प्रक्रिया है, मिशन मोड में काम चल रहा है। मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, आपके समक्ष ये रखना, या तो सरकार के पास इसका उत्तर नहीं है या उत्तर है तो छुपाना चाहती है। तो फिर कैसे हम श्रेष्ठ बनेंगे? जब उत्तर छुपाने लगेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? अमृतकाल की संभावनाओं का क्या होगा? ये पैच ऑफ वर्क से काम नहीं चलेगा। हरियाणा में अभी इसराइल में कुछ लोगों को नौकरी के लिए भेजा गया, वहां के मुख्यमंत्री और वहां की जो भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक के कह रहे कि हमने इसराइल भेज दिया इसराइल। अरे भाई, इसराइल में लड़ाई चल रही है, अपने बेटे को भेजोगे क्या इसराइल? अपने बेटे को भेजोगे नौकरी करने? वो इसराइल नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसके देश में उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो खुशी से नहीं जा रहा है। तो इस पे हमें खुश होनी, हम कैसे श्रेष्ठ भारत बनाएंगे? ऑनरेबल चेयर सर, भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़ दें, मैं एक ही शब्द में यही कहना चाहूंगा कि काला धन लाने की जो बात कही गई थी उस पर कुछ हुआ नहीं, बट वो जुमला था, हमें बता दिया गया, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एक इंडेक्स होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने 93वां नंबर हमें दिया है। आउट ऑफ 180 कंट्रीज वी वर रैंक्ड 93, भूटान वॉज रैंक 26, वे अबव देन अस। इंडिया, आप बाकी को तो भूटान को छोड़ दो, तुनीशिया, रवांडा और घाना जैसे देशों से भी नीचे। कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? स्लोगन ना बन के रह जाए, हमको श्रेष्ठ बनना है, हम सबको मिलकर काम करना है। पर ऐसे कैसे श्रेष्ठ बनेंगे? कैसे अमृतकाल की संभावनाओं को प्रखर करेंगे? रेलवे की बातें होती है ऑनरेबल चेयर सर, रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। वो एक बच्चा होता है ना कि स्कूल में वो गणित जब उससे बनता नहीं है तो वो मम्मी को कहता है, मम्मी मुझे गणित नहीं बनाना है, गणित में बस पासिंग मार्क लाना है, मैं दूसरे विषय पढ़ूंगा, मम्मी मुझे गणित नहीं। ये कोई भी डिपार्टमेंट जो कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, उसको रिफॉर्म करना कठिन हो रहा है। तो इस सरकार की ये नियति बन गई है, आदत सी बन गई है कि इसको रिफॉर्म मत करो, इसको पीछे रखो, 4-5 नई चीजें शोकेश में ले आओ। तो रेलवे को रिफॉर्म करने के बजाय आप नए रेल ले आए, फलाना ढिमका ये वो, बाकी सारी ठीक है, बनना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, सारी चीजें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटायर रेलवे डिपार्टमेंट। आपने उस इंस्टीट्यूशन का कचरे का डब्बा बना दिया है पिछले कुछ सालों में, और 4 जगह ट्रेन का आप यहां पे फ्लैग ऑफ कर रहे हो, वहां वाले इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ रेलवे का? पिछले 9 साल में 11 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए, 2014, 2016, 2017, 2020, 2022, 2023, 2023 में 4 एक्सीडेंट हुए। कैसा देश है, कैसी इस सदी में आकर अगर रेल में अरे हम कोई 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड से नहीं चल रही हमारी ट्रेन, 100 किलोमीटर मुश्किल से टच कर रही है, उसमें डिरेल हो रहा है। अगर सीएजी की रिपोर्ट आप देखेंगे इस पे डिरेलमेंट पे, तो सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जो रेल की पटरियां है वो पुरानी हो गई है, बदलनी पड़ेगी। रेल की पटरियां पुरानी हो गई है, बदल नहीं रहे, रेल में जो मेंटेनेंस होनी चाहिए ट्रैक पे वो नहीं हो रहा है। आई विल टेक सम मोर टाइम। 63% जो है सर रिपोर्ट वो टेबल ही नहीं होते। ऑनरेबल चेयर सर, आप विमेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे देश विमेन और माताओं के सम्मान के लिए अग्रणी रहा है, माना जाता है। यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता,
यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। अगर आप महिलाओं का और नारियों का सम्मान नहीं करेंगे तो सारे किए अच्छे कार्य का बेड़ा गरक हो जाएगा। यहाँ पर हमारी रेसलर बहनें प्रोटेस्ट कर रही है, उनके प्रधानमंत्री जी के पास जब वो जीत कर आते हैं तो उनको सुनने के लिए आपके पास समय है, लेकिन जब वो समस्या में है, जब दुख में है, तो उनके पास जाके, मैं नहीं कह रहा कि किसकी गलती है, वो कोर्ट तय करेगी। सर मैं क्लोज कर रहा हूँ, सर मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू मिस्टर पाटिल। सर ऑनरेबल चेयर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइम। आप एजुकेशन सेक्टर ले लो सर, आप थैंक यू। If there had been a request from the party for extension of time, I would have given that. I'll just give me, sir, 2 minutes. I'll just close. Thank you very much. Okay. Just 2 minutes. Okay. Thank you. देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुझे लगता है राम राज्य की परिकल्पना को हमें धारण करना पड़ेगा। राम राज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने और महाकवि वाल्मीकि ने भी लिखा हुआ है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म निरति श्रुति नीति। ऐसा देश बनाना है जहां हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति संपन्न हो, कोई किसी के हिस्से में दुख ना हो। पर राम राज्य की परिकल्पना सिर्फ किताबों में रह गई है। दिल्ली की सरकार इस पर काम कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। नेहरू जी ने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए, बहुत अच्छी बात थी। अटल बिहारी जी ने इस देश को एथिकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइज किया, एथिक्स को बड़ा करके अटल जी ने दिया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति को, स्कूल और अस्पताल को राजनीति में लाके इंस्टीट्यूशन किया। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी के पास सब कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है, उनके पास इतनी ब्रूट बहुमत है, आप सारा कुछ कर सकते हो। अमृत काल की संभावनाओं का उपयोग करिए। श्रेष्ठ भारत बनाने में सबको मिलके काम करना पड़ेगा, कोई अकेला कर नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच सर इतना समय देने के लिए। थैंक यू मिस्टर पाठक। थैंक यू। सप्लीमेंट्री डिमांड्स।